पहले जो सूरज है ना वो इन दरख्तों के पीछे से निकलता था गर्मियों में यहाँ से, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो वहाँ से निकलते हैं इन दरख्तों के पीछे से। हर तरफ आज धुंध पड़ी हुई है, दूर से देखेंगे ना इधर से वो देखें, इधर धुंध इधर धुंध और वहाँ से हर तरफ धुंध ही धुंध है आज। सूरज निकल चुका है और सूरज निकलने के बाद कुछ ऐसा व्यू होता है माशाल्लाह। धान की फसल पर जो रात को शबनम पड़ी है ना वो देखें, हल्की हल्की चमकना स्टार्ट हो गई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के हुक्म से आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो मैं अभी जा रहा हूँ मकई लेने, अबू जान मकई लेने गए हुए हैं तो मैं अभी उनके पीछे चलता हूँ। मकई लेने मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हमने जो जानवरों के लिए जगह बनाई थी ना जहाँ पर हम सर्दियों में जानवर बांधा करेंगे उसके ऊपर करानी है हमें मकई। तो अभी मकई लेने चलते हैं और टाइम अभी हो रहा है 8:46, तो अभी चलते हैं। यहाँ वो जो मक्की नज़र आ रही है ना वो वाली, उधर अबू जान मकई काट रहे हैं। हमारे घर से इतना दूर नहीं है, थोड़ा सा ही दूर है बस। मकई में मैं पहुंच चुका हूं और अबू जान उधर मकई काट रहे हैं। और ये जो मकई है ना इसकी जो छलियां ना वो सबसे पहले तोड़ कर ना नीचे फेंक रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे नीचे फेंक दिए। इधर तो पानी लगा, उधर फेंक देते हैं। सबसे पहले ऐसे छलियाँ तोड़कर फेंकनी पड़ती हैं नीचे जो छलियाँ होती हैं, और बाकी की मक्की काटनी पड़ती है जो कोई भी ले जाए, और उसके बाद इसको छीलना पड़ता है। जिसके ऊपर वाले पर्दे ना ये सारे खोल कर इसको जमा करना कराना होता है जिनकी मक्की होती है उनके पास। तकरीबन 5 से 7 एकड़ ना मक्की है, वहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से यूँ वो आगे तक रख्त नज़र आ रहा है ना आपको उससे आगे तक है। पहले जो कफ थे मैंने फोल्ड किए हुए थे लेकिन अब बांध दिए हैं क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा ना हर पौधे के साथ ऐसे कांटे हैं, ये देखें ये नज़र आ रहे होंगे आपको ये वाले, इसको हम पंजाबी ज़बान में कत कहते हैं, और ये ना जिस्म के साथ चिपक जाती है। तो ये वाले जो कांटे हैं ना ये कभी गर्दन पर चुभ जाते हैं कभी हाथों पर चुभ जाते हैं, और ये देखें एक मेरे इधर चुभा है, ये यहाँ से खून निकलना स्टार्ट हो गया था। और भाई साहब ये इतना मेहनत वाला काम है ना, पहले मेरे यहाँ गर्दन पर भी कांटे लगे हैं मक्की के पौधे के और हाथों पर भी लगे हैं। हाथ तो मैंने खैर कफ फोल्ड कर लिए थे, हाथों पर ज़्यादा नहीं लगे, सिर्फ एक ज़ख्म आया हाथ पर। और इधर अबू जान मकई तोड़ रहे हैं। ये जो सारी मकई आपको नज़र आ रही है ना वहाँ से लेकर यहाँ तक हमने काटी है सारी की सारी। मक्की हमने काट दिया तो अब बारी आती है मकई के छल्ली के पर्दे उतारने की, तो वो भी अभी उतारते हैं। यहाँ से इसको यूँ पकड़कर और ऐसे सारे के साथ इसके पर्दे जो हैं वो उतार देने हैं और इस थैले में डाल देने हैं। जितने लोग भी मकई लेने आते हैं ना वो ऐसे करते हैं, पहले मकई काटते हैं फिर छलियों के जो पर्दे होते हैं वो उतारते हैं और थैलों में डालकर जिनकी मकई होती है ना वो जहाँ पर कहते हैं वहाँ पर फेंक कर आना पड़ता है। अभी मैं जा रहा हूँ घर, घर से एक तो मोटरसाइकिल लेकर आना और दूसरा शहजाद भाई को साथ लेकर आना है, फिर हम दोनों इकट्ठे मकई उठाने चलेंगे। शहजाद भाई उधर से मोटरसाइकिल वो लेके जा रहे हैं, मैं उधर से आया हूँ यहाँ पहुँचा हूँ तो वो इधर से मोटरसाइकिल से जा रहे थे उधर, तो मैं मोटर पर से पानी पी लेता हूँ और फिर चलते हैं। अभी शहजाद भाई भी पहुँच आए हैं, मोटरसाइकिल देखें कहाँ से लेकर आ रहे हैं। इधर ज़मीन में हल चले हुए हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है वहाँ से मोटरसाइकिल लेकर आने में।
इधर दो रस्सी डाल दी हमने, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यहाँ पर सारी ऊपर मकई डालेंगे। और सरदार भाई अभी मकई लेकर आ रहे हैं। मक्की हमने बांध दिया है तो अभी अब्बू जान के इंतज़ार हो रहा है, वो भी आ रहे हैं। वो आएंगे तो फिर हम उठाकर मक्की को मोटरसाइकिल पर रखेंगे और शहजाद भाई घर को लेकर जाएंगे। आज मुअज़्ज़िज़ ज़िम्मेदार भाई भाई सख्त खत्म करना ना है, खत्म करना है मगर लाए। ठीक है जी, होगी खत्म, ये नंबर खत्म हो गई। लो जी जान छुट्टी आए ना, तो जान छुट्टी हमें बैनस कटी रख देना, याद ना लेना देना कुछ। हाँ तो जिन चाचा जान की मकई है ना, उनके नंबर पर एक सर्विस लगी हुई थी, खुशहाल जिम्मेदार सर्विस, तो वो पैसे काटते हैं 5 रुपए मंथली, नहीं वीकली काटते हैं। तो चाचा जान कहते हैं मैं जितना भी लोड करवाता हूँ ना वो सारे के सारे काट लेते हैं। तो अभी मेरे पास मोबाइल लेकर आए हैं तो मैंने उनको वो सर्विस ख़त्म कर दी अभी। तो इधर ये भाई जो सर्वा कर रहे हैं ना गैस का, वो जा रहे और एक उनके पीछे आ रहे हैं ये। टाइम अभी हो रहा है 10:55 और अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी जो मक्की है वो घर ले आए हैं। तो अभी शाम को ही हम जानवरों का ना ऊपर सारी मक्की हम शाम को भी डालेंगे। तो अभी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है मक्की में, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे ना उलझन सी फील हो रही है, एक ना वो कांटे लग लग के ना उलझन फील हो रही है। तो अभी सबसे पहले नहाते हैं और फिर नाश्ता करते हैं। नहा मैंने लिया है तो नाश्ता भी मेरा पक चुका है, तो अभी सबसे पहले नाश्ता करते हैं। और नाश्ते में आज है भिंडी का सालन और आमलेट, अंडे का आमलेट है। नाश्ता मैंने कर लिया है तो अब बारी आती है चाय की, अभी चाय पीते हैं। और आजकल के मौसम में ना नाश्ता खाना खाने के बाद इतनी सुस्ती हो जाती है ना, नींद आने लग पड़ती है। तो मुझे भी सेम वही फीलिंग हो रही है, नींद आ रही है, लेकिन चाय पी लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल नींद नहीं आएगी। दुबई में ढूंढ कर थक चुका हूँ और अभी भाई ने बताया कि यहाँ पर है दुबई, ये रही अपनी दुबई। परसों शाम से ना मुझे इतना ज़्यादा तेज़ बुखार हुआ है ना, मैंने परसों शाम को तकरीबन 6 बजे मैं नहाया हूँ, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे गले पड़ गए हैं और गलों की वजह से मुझे बुखार हो गया। और मैं डॉक्टर से दवाई ले आया था परसों शाम को ही, अल्हम्दुलिल्लाह दवाई मैंने लिया, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया, मतलब ठीक हो गया हूँ। अभी भी थोड़ी थोड़ी यहाँ पर दर्द हो रहा है गले में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर हूँ, बुखार भी उतर गया, अब सिर्फ गले में थोड़ा थोड़ा दर्द है। और इधर इन सबको देखें, छलियाँ बोल रहे हैं ये। अभी अब्बू जान ने जो मक्की है ना वो इनके ऊपर डालना स्टार्ट कर दी है। जानवरों के लिए जो जगह है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कुछ ऐसे जानवरों के लिए हमने जगह बनाई है, सर्दियों में हम अपने जानवर जो है ना वो इधर बांधा करेंगे, रात को ठंड होती है ना। और ये देखिए ऊपर सारी सारी मक्की ने कवर कर लिया है। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।